1897 में भारत के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमीर की सल्तनत थी जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए समना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखौर पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। पैरों में घुसन मारते सुल्तान, तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है, जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह, मनसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। कर्नल हाउटन इज हियर टू ब्रीफ अस, हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजीशन पर। हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर डेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ।
हमले करने वाले लौटे और एक्साइज कुल बच्चा जहाने की वजह पता है हिंदुस्तानियों के खिलाफ पता है आज का हमला आखिरी हमला नहीं था मुझे यकीन है कुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी नया सर सर अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह हमारा फैसला नहीं एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती दमना घाटी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका यहाँ मौजूद है ये दो किले फोर्ट लकार्ट जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा फोर्ट कुर्दिस्तान इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है लेकिन डर कैसे साहब हम उन्हें आराम से हरा देंगे गुलबाचा के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500 वो 300 नहीं है हीरा सिंह मैं अपनी ताकत को बढ़ाने आया हूँ अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से हजार हो जाएंगे वो 5,000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी पर हम शायद 500 ही रहेंगे अभी भरो में मतलब मैं हमें नहीं भरूंगा बुलबाशा मुझे तुम पर यकीन नहीं है मैं मत दो यहां आकर एक होने का सबक तो दे दिया बुलबाशा पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहां थी तुम्हारी यह तकरीर यह जज्बा यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबाशा भीख में नहीं मांगा जाता अहमदुल्ला ये जंग का मसला है आपसी रंजिश का नहीं जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वो जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली अहमदुल्ला अपनी जबान पे लगाम खींच अपने औकात में रह सुल्तान यकीन कस्से का महमदुल्ला जो बच्चों का इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर उसमें चाहे बंदूक के चलाई या तोप पे उसमें तो ये मरूर बनना चाहिए इस घाटी का नाम है सामना और यहां पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है कमिटी साथी मिटी है साहेब हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था सवाल आगे से है कि लड़ावा गोविंद सिंह नाम को आवा उसमें चाहे 2,000 हो या 10,000 36 मिनट में कहा फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है
सब बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। सब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements clear. Headquarters ने मना कर दिया है. What can we do? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है. छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी, पर छुट्टी मिली नहीं. साहिब, मैं छुट्टी चाहता हूँ. मैं नहीं देना चाहता. साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है. I said, छुट्टी नहीं मिलेगी. क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना. General Vita Singh, Madam Vishay Aucha, nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So tum apne senior officer ke hukum mana kar rahe ho? Woh baat nahi sir. Mujhe jaane do, main 2 hafte mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na. आप अक्सर लोग भी तो जाते छुट्टी पर. पिछले महीने आप ही तो गए थे ना. अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप उठा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ. 3 डॉक्यूमेंट का माफी मांग लो. माफी मांग लो. Apologize, बेटा. Apologize! Come on, come on, come on. Ek! Tin! Frank, look at that! तुम लगी तो नहीं. राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह. ये गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए. फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर मैन उनके सामान कमाने के लिए हुआ हूं. चल तो
वीरे वीरे ठीक है तू ठीक है मौजी ना क्या होना है पुत्र चल चल के कट्ठे रोटी खा ले रोटी खाने इशर है पुत्र राजा बह के कट्ठे रोटी खाने Thank you.
जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते भिलकते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डाल लो। प्यार में सिपाही का खून जाता है। मां सुने तो Totally 17 injured soldiers, but thankfully, sabhi khatre se bahar hai. Asla? Har ek guli ke liye ek dushman. But agli baar agar jang hogi, to asla kafi nahi hoga. Yes, Chand Singh. Gurdwara mein ardas ki thi sab. Ye prasad. Ardas is prayer. Sab. Thank you, Chand Singh. Sab. It's very tasty. Toro Rilliga. Bilkul sab. Thank you. Sab. सब गुलिस्तान के फौजियों के लिए कढ़ाई पर प्रसाद आपके अर्दली के पास रखवा दिया। शुक्रिया। और हाँ चंद सिंह, अगली बार जब अरदास खारो तो ये मांगना की कोई और अगजाए वापस जिंदा ना लौटे। नहीं लौटेंगे साहब, इस बार ही 1000 आए थे, अगली बार 2000 आएंगे, फिर भी हारेंगे। जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब, जज्बा लगता है। तुम ठीक कह रहे हो चंद सिंह, अगली बार और अगजाए 200 की नहीं 2000 की तैयारी है। और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी, और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को। हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके, एक ऐसी तरकीब जिसे औरंगजेब टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके। इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर, वी हैव अ लॉट एट स्टेक। यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर। कारतूस से खेलने की मर्जी है तेरी, चल नीचे आ। कारतूस के बिना बंदूक किस काम की, इस तुसी ही रख लो। पहला फिर दे दे मेरे को, तुसी रख लो। इसी आप रोटी नहीं खा रहे? तू खा भी ले, मैं बात खाना है। इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया। इतना अच्छा जाएगा, सब पढ़ कर ले आएगा तो सुच भी देगा। और काट लेगा तेरे को। कैसे काट लेगा? सिखाया ना इसको। शुरू करो बाबा जी। और सब ठीक तो चल रहा है ना? तेरी पोस्टिंग ठीक है? पोस्ट पे ठीक नहीं है बाबा जी। क्यों? उगानियों का एक कबीला है और रजाई नाम से, वो सामना का डिप पर हमला कर उस पर कच्चा करना चाहते हैं। आप समझो बाबा जी, ये रोटी हमारी जमीन है, इस जमीन की सरहद पर ना और रजाई खेमे है। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਲੁਕਾਟ ਤੇ ਕਿਲਾ ਗੁਲਿਸਤਾਨ। ਹਮਾਰੀ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਲੋ ਬਚਾ ਲਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਲੋ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਲੁਕਾਟ ਕੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਲੁਕਾਟ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ। तू ही खा पुत्र। जी बाबू जी। सत्यकाल सरदार जी। पुत्र जी, मैं मिंटू, वो गुरुद्वारे वाले भाई जी से भतीजा। आ जाओ फिर रोटी खा ले। नहीं जाते सिखा। आपको याद है जी, वो मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था, पर आपके बाग में भी बहुत बार मैंने आंबिया चुराई थी। असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार। अपनी तारीफ ही करता रहेगा, ये आगे भी कुछ बोलेगा भी रे। हाँ जी, हाँ जी, अब मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में, एक पहलवान आया हुआ बरनाले से जी, कुछ गंभीर मसला लगता है जी। बरनाले से? और बरनाले में तो बूटा रहता, ये पहलवान कौन है? आओ बाबा जी। आशीर्वाद ने सब ठीक है। ईशर सिंह बरनाला दे नाहर सिंह ने शिकायत की थी है कि तू बूटा सिंह नाल मिलके ओदे नाल मारपीट की थी है, ओदे नाल बड़ा हथबाई की थी है। सरदार जी, बाबा जी, ईशा सिंह ने रोक लिया था मुझे,
नहीं तो मैं इसको इतना मारता कि इसे घर वाले भी ना पहचान पाते। और जहां बैठा ना होता है औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसकी फसल जलाने की कोशिश भी किया इसने और धमकाया अलग पूछो इसे। शाबाशी देनी है तो प्यार से सुना जैसे हमारा जानता हो कौन है एक नंबर का बदतमीज इंसान हो क्या है वो मेरा तो मेरे भाई साहब बात है ना बहुत छोड़ा हो रहा है वो हिम्मत है ना वो बात लगा कर अलविंदर आराम से बात करते हैं ना जी ना मैं ना कोई गल करनी है ना सुननी है मैं तो इतने इन दोनों को अपने प्रा से माफी मांग के देखने आया माफी क्यों भी ऐसी बोल जा बूटा क्यों से मैं आपके भाई से माफी मांगने के लिए एक मिनट बूटा कोई गल नहीं माफी मांगने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है मैं जी तैयार आपके भाई से माफी मांगने के लिए वो गलती तो हमसे हुई है हमने माफी मांगी है और गलती तो आपके भाई नार सिंह से भी हुई था मेरी विनती थी कि वो भी उस औरत से माफी मांग लेता तो बढ़िया था मेरे पास है माफी मांगना चाहता है तो और पंचायत का सम्मान कर लेते हैं और जी मैं गांव वालों का सम्मान करता हूं ते जी माफी चाहते हैं लोग माफी ईश्वर पुत्र जात हां जी ओ बेटा चल चल के सर आओ बाबा जी ये हरकत तेनो बड़ी महंगी पड़ेगी सरदार बड़ी महंगी मेजर टीवी को ऑर्डर है लोकाट और गुलिस्तान के बीच एक बंकर तैयार करेंगे ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके काम सूर्य डूबने से पहले हो जाना चाहिए जागो 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 भोर है कड़ी अपने एक चमन पे भारी है वतन पे रात की घड़ी जागो 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 रात है बड़ी अपने ये चमन की रात है वतन की ये सारा घड़ी खोल दो किवाड़े सारे हाथ में ये लो तलवारे दुश्मनों की ढाल तोड़े सब गिरेंगे बारे बारे छाती तान पगड़ी बांध सीने में क्या है तूफान धर से सिर गिरे भी सारे और पहले फौज बंकर बना रहे इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है हमारे गांव की नहीं थी वो उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार मेले में दर्शन हो जाते थे उसके हिरनी जैसी चाल नागिन जैसी चोटी अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी वाह बोला सिंह और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी ओ पोला सिंह ये हो गया बोले कुछ हलचल हो रही है
कबीले वाले हो रहे हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की करन लग गया भोलिया। एक बच गया है। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख देखिए। जिंदा है। क्या करें? को सारा गड़ी भेज देते, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्चे। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्चे। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिब? मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। आमिर ने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह, लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है। जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलंक कर देंगे हम इसका। अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब, सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही है। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरकार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही हैं। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सा बन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे, दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। ऐलान-ए-जिहाद का वक्त आ गया।
बोला लाल सिंह और जेल में जसूसी करने आया था वहां पर। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती हैं, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है, आपको उस खून की कसम। इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना होगी शहीद कुछ नहीं होगा, आपको आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये शायद आपका इंतजार करेगी। सब तैयार? राजी। हाँ जी। दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी ईश्वर भाई को देना पड़ेगा। आठ हजार
का मतलब 10 10 से 12 12 हजार बंदा है हमारे संग। अब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। ये तो अलग अलग तरफ जा रही है। जल्दी कर। Sir, this letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh? Haan ji, bhai ji. Hamari dono post ko sandesh bhejne. Pehle pehle jaake do daste aa rahe hain. Hamla jaldi hone wala hai. पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा held on for 6 hours. Tell Isha to abandon it will. Ajay, police has a sandesh aa raha. कर्नल हॉटन साहब का संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। और अभी मेरा दस्ता तैयार है पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। वही करने का के अब इनको ना 6 घंटे तक ही रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी बच्चे एक काम कर,
मोहसिन। जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसकी। जी जनाब। पेशावर से ब्रिटानिया फौज का पैगाम आवे, 4,000 दस्ते असला और बारूद लेकर वहां पहुंच गए। गोलिस्तान सारागिरी और लौका की हिफाजत के लिए। शमशेर जी कह रहे थे, उसने 1,000 से ज्यादा बंदे देखे हैं। ये बंदा अपना पैगाम लेकर वहां जा रहा होगा, मर गया। दुश्मन हमसे 2 कदम आगे लग रहे हैं। बादशाह तो फर्क मेरा हमारे साथ है, मैंने बोला दुश्मन का सारा खबर उनको पहले मिल जाता है। किस तरह मुकाबला करना है अब्दुल बादशाह? वैसे ही जैसे पहले तय किया था या फिर? और पहले हमने तय किया था कि हम एक ही वक्त पर 3 किलो पर हमला करेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मुझे लगता है 3 किलो पर पेशावर से फौज आ चुकी है हिफाजत के लिए। अब हम एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही किलो पर हमला करेंगे। सबसे पहले सारे लीडर, ताकि गुलिस्तान और लोकेट के बीच कोई पैगाम न मिल सके। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़े तो फतेह हमारी होगी इंशाल्लाह। भाई सोना है, बाकी 10 तो मैं पैगाम भेज दो। जनाब जनाब, आपको गुलबाशा ने वापस बुलाया है। हम सारागढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। गुलबाशा ने वापस बुलाया है, वापस जाओ। जनाब गुलबाशा ने वापस बुलाया है। वापस बुलाया है? चलो दोनों को वापस लाओ। जिस औरंगजेब की लाश को तूने हिंदुस्तानी वर्दी पहनाकर भेजा था, लगता है वो स्कूल बादशाह के हाथ पड़ गई है और इसने हमारा संदेशा पढ़ लिया है। तभी इसने अपना इरादा भी बदल लिया। अब इसे ऐसा लग रहा है कि हमारे फौजी दस्ते बढ़ चुके हैं और रोक लिया हमने इसे लुकाट और गुलिस्ता जाने से। अब यह अपने 12,000 बंदे लेके हमारी ओर आ रहा है। बस एक बारी पेशावर से बंदे पहुंच जाए, फिर हमें ये जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आजा, ओए आजा गुल बादशाह, आजा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving towards Sarigami? But why is Gulatek in Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. मेजर साहब का संदेश है साहब, सारागढ़ी को मदद की जरूरत है। Send a message to Ishwar Singh. Leave Sarigami immediately. जी साहब। छोड़ दो। ईश्वर जी, कर्नल साहब का संदेश है, सारागढ़ी को छोड़ने को बोल रहे हो। लेकिन के हमारे पास तरकीब है। जब तक पेशावर से बंदे आते हैं, हम इन्हें यहां रोक सकते हैं। हर बॉस की जिम्मेदारी जरूरी है, ऐसे कम नहीं चलता। और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है। हर बॉस की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए। लुगाड़ पे औरतें और बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता है। इनका वापस संदेश आया, वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं। और क्या? और पेशावर से लुखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें। तू जो आप भेज, लुखाट को भेज के अपनी पोस्ट की सुरक्षा करें। ठीक है भाजी। कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है। हाँ जी, पर पाजी, इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख, हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेना देना। ओए, हम इनके शेर ही बड़े काफी हैं इसके लिए, है कि नहीं? बिल्कुल पाजी। चल जा, जिस संदेश आए तो मुझे बता देना। हाँ जी। और तैयार होना सारे बोटी, जल्दी। यहाँ से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। चलो 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 चलो।
ईश्वर बाजी बंदूक बाजी रबरा वो रबरा खा फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था मैं मतलब हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगे लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोनों वक्त लगे और पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कुछ करेंगे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं वो छुप कर पार करने में माहिर थे और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा
आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम फोर्स से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गली में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते, और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे। साहब तुम्हें कुछ करने का मौका नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragati? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Could have been quiet for some time. Kulip Singh, Bishop, Samragati mein aaj se hamari do patrolling units tainat rahenge aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. जी सर। याद रहे, हीलियोग्राफिक बादलों की वजह से काम नहीं करेगी। जी सर। सैम सिंह, और पुतले खड़े करते सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। वही जिसका डर था हारे बंदे सरे। एक भी बंदा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा जी, जब तक मैं नहीं बोलता।
अभी पोजीशन पर तो खड़े करना क्या आगे हुक्म करो अब बता कौन करके आगे रे पकड़ बड़ा आप बस हां करो बाजी एक एक गोली पर दुश्मन का नाम लिखा इन सब की कमर खोद देंगे आज ना एक भी बंदा गोली नहीं चलेगा जब तक मैं ना बोलूं जी बाजी राजन लाल बाजी बात सुनो मेरी तुम दोनों नंद के साथ जाके जहां जहां अपनी चली जकड़ी रखी है ना उधर जाओ उधर जाके मिट्टी का तेल फेंके और उधर दो चले जी साहब वो तीनों की घोषणा होने वाली है सारे बंदे अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ जी सवाल लो इस बार उसने सारी ताकत एक बार में लगानी है इसे बाजा फिक्र न करो आने तो इनको वापस इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया लगता है गुरबाज साहब की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मरना भेज दिया हमारे ऑटो हाँ गुरबाज साहब मेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा आओ कमीनो हम सबको सबक सिखाना बाकी है सिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है ओ दद्दू जी अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में काट देंगे वाहेगुरु जी का खालसा लेकर आओ दोस्त मान लेते तुम्हें बहुत खड़े किए हैं तो मगर निशान है उन पर लगाया जाए सही पहचाना दुर्गाशा एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं सही पहचाना ऐशर से बशर और जय की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा हूं वो बेवकूफ बना है और ये फौजियों का पुतला रास्ते में रस्सी और बंदियों का जाल हौसला है उसमें पर अभी उसको अंदाजा होगा
कि हमको उसके हर चाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए आप उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है, वो कशेर की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली चलते चलता है।
पहले की आगे पीछे वाला दस्ता, सौ बंदों का पूरा दस्ता जाना चाहिए। नीचे 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 आवाज़ नीचे। मेरा सबसे बहादुर सी पिसा लाल शहीद हो गया। ये बिना बात मेरे भतीजा। और चलो भाई मेरे दादा भाई मेरे दादा सती सती। नीचे नीचे। और दूसरी बात है नीचे। बंटल वाला दस्तार। हमारे एक सिपाही की जान हमने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा दीदी बंधान का कलम कर दिया। और किसे लगता है मौत का डर इधर किसे लगता है मौत का डर? और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यार वो बुजिल तो पहले ही मर चुका है। कौन है कोई हमारे मन में मौत का खौफ ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है। कोई बंदा यहाँ पे किसकी लगों में पानी पहना है कोई नहीं चंद ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है जंग में हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। और ये जो बंदा है ना कुल बादशाह इसके इरादे नापाक हैं। तुम्हारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है या उसे भाई बस बच्चों और औरतों का कत्ल करेंगे कोई तो पहुंचते हमारे पास लगाट पुलिस का टीवी साहब है कहना बाट में सब और हमको कैसे माना मुझे अपने बच्चों की तरह हमें उनकी रक्षा ऐसे करनी है चक्का को बने परिवार नहीं करते करेंगे की दही उन्हें तक दुश्मन का पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा कोई सवाल से कोई चक्का ये जो सांस है ना मारी नहीं है सच्चे बादशाह की है ये जिंदगी मारी नहीं है तेरी चली गई तेरी चली गई कोई सवाल से कोई चक्कर कोई सवाल से कोई चक्कर कोई मैसेज सारा गाड़ी से नहीं सर इसका मतलब सारा गाड़ी का हेलीग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंचा है। Damn it. Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing?
स्टॉप। हम दूसरी पलटन लेकर सारागढ़ी जाएंगे। अलविंदर तुम भी साथ चलो। सारागढ़ी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह तुम हर वक्त यही रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब मैं यही मुस्तैद रहूंगा। अलविंदर तुम दूसरी दस्ती को मिशन तैयार करो। आज तो यहाँ पे सारा बंदा सुजरू से नहीं है, पुरदादे से नहीं है और ना ही बंदा लोहार से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले
से खून पसीने से बोले सारे गरीब सींचा ये सारे गरीब थे गए हिंदुस्तान अरे तो सब खत्म होने वाला है ईश्वर सिंह ये हिंदुस्तान मेरे साथ किसी ने मिलने वाला है बता ईश्वर सिंह सिमर बाबू आपके परेशान आप चिंता मत करो फौजी दस्ता ही रहा सब ठीक हो जाएगा I'm missing Hira Singh now I'll never get to see him उठा मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता वही अकेला मैं बाकी सब भी मेरे भाई हैं आज उन सब की याद आ रही है सारा गाड़ी दूरी पर है चलो जल्दी दो दुश्मनों के साथ बहुत बहुत कर रहा था अपना फौजी दस्ते पर पहुंचने वाले हैं इनकी सपोर्ट फॉर ईच अदर हां सर जीवा क्या हुआ है शजीन इंद्र क्या तुम्हारा गुरु है जीवा ठीक है ठीक हूँ मैं इंद्र सर को बचा नहीं पाया बाकी है जीवा सर से भी कम है अरे कोले भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा ऐश्वर से सारे के लिए हार गए और सही हूँ ना अगर स्नान जरूर करवा देगा जीवा ये शहादत भी किसी किसी खुशनसीब को नसीब होती है तू कहाँ से ऐश्वर से सारे के लिए हार गए इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं बादशाह से हार अभी तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेटी को क्या संदेश भेज रहा है छह शून्य दो पांच सात सात ईशा संगम मौत से नहीं डरता गुलबत्रा इसको आपको बहुत खौफ है एक एक करके अगर इस कमरे में आग लगाती हो तो उसका अवसर परस्त हो जाएगा अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची मेहर करूं मेहर करवाए करो मेरे मालिक
खबर है? कुछ भी नहीं काला सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मैम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ प्रमुख ही एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी हे वाहिगुरु
सर पड़ोसी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यानी मिट्टी लाख से मिलके लाख सहवरे लिखते लहू से अपनी हस्ती कफन बांधे हैं तोरे नाम में बांधे दीवारों से लपके हैं ये इरादे है वतन है वतन Teresa, mom is crying, a lot of pain. Try to breathe harder. You need to breathe harder, you know? What's happened? Is she critical? I think she needs a surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Salgari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? हेलियोग्राफ से संदेश आने की उम्मीद नहीं रखती मैं और इंतजार नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने ये करा पाजी मैं हूं यहां पे वही गुरु आपके साथ है Come on.
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रखकर सब सब जानूंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सर हानि नहीं। साहब मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। अभी उनको नोच नोच के खाएगा राज को। और ये शहीद है खुदा, ये शहीद ना अपनी मां की गोद में सर रखकर सो रहे हैं, और जब तक ईश्वर से मिला ना तो इन्हें छू भी नहीं पाएगा। वो आप के ना वो आप ही रहेगा खुद रहे सकते। अरे वक्त आ गया, तुमको भी लाशों के साथ सलाह रहे हैं शेर सिंह। हमको लगा सारा के लिए एक घंटे में कम से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। तो बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपे गई। ऐ शेर सिंह मोहम्मद
ये सारा गरीब तेरे लिए हिंदुस्तान है, पर अभी तो सब खत्म होने वाला है। शेरसिंह, ये हिंदुस्तान तेरे साथ मिट्टी में मिलने वाला है। खबरदार है शेरसिंह। सिंह, इधर गया तुम्हारा गुरु राय, हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गया। ईश्वर सिंह सारे के लिए हार गया। ईश्वर सिंह गुलबादशाह से हार गया। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेटी को देगा। सारा गाड़ी भाई साहब आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी चलो। इसको आपको बहुत खौफ है, अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा।
के इतना फौसला है तुम्हें शेर सिंह? कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है? तो मैं तेरे सामने खड़ा और तू कोशिश नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सावधानी हमारी है। अल्लाह तो ठीक है फिर अपने आप के सांस की तैयारी करें शेर सिंह। Let's go inside.